Everyone, in this session we will discuss about the concept of unit force and laws of motion. So let's start our discussion here. सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में. फोर्स जो होती है वो क्या होती है हमारे पास? That is, it is the push. और कि हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स बोल रहे हैं. इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फोर्स है वो तो हमें दिखाई नहीं देती, हमने तो जस्ट पुश कर दिया या पुल कर दिया, हमें इसके इफेक्ट्स दिखाई देते हैं. तो कौन कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? द फोर्स various effects can be observed. तो कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात आती है चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पहले क्या थी? रिस्ट पे थी इनिशियली. ठीक है, तो जब मैंने इस पे फोर्स लगाई, हमने इस पे फोर्स लगा दी, तो क्या हो गया? ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये मूव करने लग गई, मूव करके आगे आ गई तरफ, मूव करने लग गई, यानी कि ये मोशन में आ गई. तो ये क्या हो रहा है? उसकी स्टेट चेंज हो रही है. तो फोर्स का इफेक्ट क्या है कि ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है. ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है वो मूव कर रही हो. जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या है? मोशन में है. जब ये इनिशियली मोशन में है, जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी? रुक गई, रेस्ट पे आ गई. जैसे हम कार की बात करें, हम कार ड्राइव करते हैं, हम ब्रेक सप्लाई करते हैं. ब्रेक सप्लाई करने का मतलब क्या है? हम वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ओपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कार क्या है? रेस्ट पे आ जाती है. तो मतलब क्या है यहाँ पे कि जब भी फोर्स लगाते हैं तो हमें इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? हमारा जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ जाएगी. ठीक है, इनिशियली. और जो दूसरा इफेक्ट है वो हमें देखने को क्या मिलता है? That is change in the direction. Direction भी तो change होती है force लगाने से. Change in direction of motion. इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखो ये road है, straight road है, आगे जाके turn लेना है ऐसे. अब पहले जो vehicle है वो तो straight line motion में जा रहा है, ऐसे सीधा जा रहा है. ठीक है, जैसे ही उसने turn लिया तो उसको force लगानी पड़ेगी. फोर्स लगाएगा तभी तो टर्न ले सकता है, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है. तो ये है हमारा सेकंड इफेक्ट, ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाती है? चेंज. ठीक है, तो कुछ सिचुएशन में हमें ये इफेक्ट भी देखने को मिलता है, चेंज इन द शेप. ये इफेक्ट किस में देखने को मिलता है? जैसे मान लो बैलून है, बैलून पे फोर्स लगाई तो उसकी शेप चेंज हो गई. ठीक है, और क्या हो सकता है? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अगर फोर्स लगाए तो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, शेप चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, और क्या हो सकता है? जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही तो स्टेट ऑफ मोशन पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये सारे जो इफेक्ट है हमें देखने को मिलते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट. उसके बाद ये जो फोर्स होती है ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कि जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी. दैट मींस इसके बाद दोनों चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन.
फोर्स भी हमारा क्या, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी, ठीक है। इसके यूनिट्स की अगर बात करें तो फोर्स जो है, मैं मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे अभी लिख रही हूँ क्योंकि ये फॉर्म हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें पता चलती है, ठीक है। फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं एम इंटू ए के साथ। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। अगर मुझे इसके यूनिट्स निकालनी है, मास किस में मेयर करते हैं हम, किलोग्राम में। एक्सलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के यूनिट्स क्या मिली मुझे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट्स आ गई। ये किस में आई है, एसआई सिस्टम। ये रिलेशन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन से ही आया है ये। तो फोर्स को कैलकुलेट करने का रिलेशन ये होता है। अगर हमें फॉर्मूला पता है किसी भी क्वांटिटी का, हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट मुझे मिल गई ये एसआई सिस्टम में। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करनी हो तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, ये सीजीएस सिस्टम आ गई। अब जो फेमस यूनिट है वो क्या यूज करते हैं हम, दैट इज न्यूटन। न्यूटन जो है एसआई सिस्टम की यूनिट है। और जो 1 न्यूटन होता है किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एसआई सिस्टम में मैंने अभी ये यूनिट लिखी है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ 1 न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू इसके इक्वल ही होती है, ठीक है। और सीजीएस में इसका नाम क्या देते हैं हम, टाइम्स। 1 टाइम किसके इक्वल आ गया, दैट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स आ गए, ठीक है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, देखो अब फोर्स का रिलेशन बताया मुझे, फोर्स क्या है यहाँ पे, मास इनटू एक्सलरेशन। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मास को क्या लिखते हैं हम, एम। एक्सलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या मिला मुझे, एम एल टी माइनस, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी यूनिट्स और डायमेंशन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्सेस को डिफरेंट बेसिस पे क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टिंक्शन कैसे किया गया है, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे, वो रेस्ट पे रहती है फिर भी, ठीक है, या फिर वो मोशन में आ जाती है, तो इनको इस बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है, कि स्टेट ऑफ मोशन की बेस पे डिस्टिंग्विश किया गया है। और वो क्या है, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्स। दूसरी टाइप जो है वो क्या है, कंटेक्ट फोर्सेस हो सकती हैं। जब दो सर्फेसेस के बीच में कंटेक्ट लगता है तब ये फोर्सेस लगती हैं। और नॉन कंटेक्ट फोर्सेस, ये दो बॉडीज के बीच में कंटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लग रही है, नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो वन बाय वन इनको हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्या फोर्सेस के डिटेल में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस की। बैलेंस्ड फोर्सेस जब भी एक्ट करती हैं, व्हेन एवर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। वो रेस्ट पे रहती है। कैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, सरफेस पे पड़ा है, इस पे इस तरफ से फोर्स लगाई F1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ओपोजिट डायरेक्शन से इस तरफ से फोर्स लगा दी F2। अब ये जो दो फोर्सेस लगाई हैं F1 F2, ये फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है,
तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देंगी. और जो बॉडी है एंड द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगी. और देखो यहाँ पे इनको बैलेंस्ड फोर्सेस बोला गया, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, डस्ट पे. जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही फोर्सेस लग सकती हैं, ये सिचुएशन भी तो हो सकती है. जैसे ये ब्लॉक है, इस पे ऐसे फोर्स लगा दी F1, इस तरफ से फोर्स लगा दी F2, ऐसे फोर्स लगा दी F3, इस तरह से फोर्स लगा दी F4, ऐसे फोर्स लगा दी F5, ऐसे फोर्स लगा दी F6, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, सभी क्या है, बैलेंस कर रही हैं एक दूसरे को. तो जब ये फोर्सेस जो है बैलेंस कर जाती हैं एक दूसरे को, तो जो नेट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट पे वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. नेट फोर्स जीरो लगेगी और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है. अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होती है, हम क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन द इक्विलिब्रियम, ये वर्ड भी बोला जाता है. कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में हो गई. तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रह रही है, तो ये हमारे पास होती है बैलेंस्ड. ये एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे देखो हमारे घर में क्या है, मान लो टेबल है, ठीक है, उस पे आपने क्या किया, बुक रख दी, कोई भी चीज रख दी, चलो जरूरी नहीं है बुक है, ठीक है. अब ये रेस्ट पे है, क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज जीरो. कैसे, यहाँ पे इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो मैटर करता है, ठीक है. अब जैसे देखो जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वेट की वजह से फोर्स लगती है, देयर इज अ फोर्स ड्यू टू वेट. जैसे हम है, हमारा भी तो वेट है, हम पे भी फोर्स लग रही है, वेट की वजह से जो फोर्स लगती है वो किसकी वजह से लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो अभी देखो इसके वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है वेट की वजह से फोर्स. अब ये जो बुक है ये कंटेक्ट में है यहाँ पे टेबल के सरफेस के साथ, तो यहाँ पे एक कंटेक्ट फोर्स लगती है जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. मतलब यहाँ पे इस पे फोर्सेस लग रही हैं, क्या ये एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये एक कंटेक्ट फोर्स होती है. वो तो भी पढ़ते हैं, अभी के लिए इतना ही समझो कि यहाँ पे इस बुक पे दो फोर्सेस लग रही हैं. अब दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, यहाँ पे बैलेंस कर रही है, तो ये क्या हो गया, नेट फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे क्या आ गई, जीरो आ गई, और ये क्या, रेस्ट पे, ठीक है. अब हम सेकेंड बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में. अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है, वेन एवर अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज इन, वो मोशन में आ जाएगा. कैसे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था कोई, इस पे फोर्स इस तरफ से लगा दी F1, इस तरफ से लगा दी F2, ठीक है. मान लो F1 जो फोर्स लगाई है वो 6 न्यूटन की है, F2 फोर्स लगा दी मैंने 10 न्यूटन की. अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, दीज फोर्सेस आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है और डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है. ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ये दो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि एक 6 न्यूटन की फोर्स है, 10 न्यूटन की फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल फोर्सेस लग रही हैं। इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स जो है वो लगेगा, और फोर्स लग रहा है तो मतलब क्या है, एंड द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है मोशन में, मतलब उस पे अनबैलेंस फोर्सेस जो है वो एक्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस में जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, ओपोजिट डायरेक्शन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सिचुएशन लिया कि ओपोजिट डायरेक्शन है, अगर मान लो ये सिचुएशन आ जाए कि ऐसे फोर्स लग रही है एक F1 विच इज 6 न्यूटन, दूसरी फोर्स मैंने ऐसे लगा दी F2 लेट्स से 10 न्यूटन, तो इन दोनों के नेट इफेक्ट से फोर्स मुझे यहाँ पे मिलेगी, नेट फोर्स। वो तो डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी, वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, है ना, वो अलग करना है। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फोर्सेस की डायरेक्शन ओपोजिट ही मिले, अगर वो किसी एंगल पे लग रही है, यहाँ पे देखो ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है, ये किसी एंगल पे लग रही है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये नेट फोर्स देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगी। मतलब यहाँ पे मेन पॉइंट जो ये है, दैट इज जो फोर्सेस हम लगा रहे हैं वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ओपोजिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों सिचुएशन में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कंसेप्ट था अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दैट इज नॉन कंटैक्ट फोर्स, कंटैक्ट फोर्सेस पे बाद में बात करते हैं, पहले नॉन कंटैक्ट फोर्स की बात करते हैं। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस नेम से क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगी, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कंटैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में नहीं होंगे, तब ये फोर्सेस जो है वो लगती है। जैसे इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस हम पढ़ते हैं, इसकी टाइप्स क्या है, यहाँ पे सबसे पहले टाइप आती है मैग्नेटिक फोर्स, और क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और फोर्स कौन सी हो सकती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारी एग्जांपल है नॉन कंटेक्ट फोर्स, जैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब नेम से क्लियर है मैग्नेटिक वर्ड, मैग्नेटिक वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। द फोर्स बिटवीन मैग्नेट, ठीक है, एंड मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज नाउन एज मैग्नेटिक फोर्स। जैसे मैग्नेट तो सबने देखा होगा, ठीक है, मान लो ये मैग्नेट है मेरे पास ऐसे, ठीक है, और जो मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, कोई मान लो मैग्नेटिक मटेरियल इस पी पॉइंट पे पड़ा है, पी पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये मैग्नेट क्या है, इस पे फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि ये दूर है, जैसे ही ये मैग्नेटिक मटेरियल पी से हम मान लो यहाँ इस क्यू पॉइंट पे ले आए, यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगने से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट के साथ, ठीक है, अट्रैक्ट होके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी कंटेक्ट नहीं बना, ये मैग्नेट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कंटेक्ट नहीं बना, बट स्टिल इनके बीच फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट की तरफ, ठीक है, पर ये दोनों आपस में कंटेक्ट में नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन कंटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है इट विल अट्रैक्ट
मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये नॉन कंटेक्ट फोर्स की एग्जांपल, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास नॉन कंटेक्ट की क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो किस में एग्जिस्ट करती है, द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्जेस भी लिख सकते हैं। तो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट चार्ज है मेरे पास Q1, ये कोई दूसरा चार्ज है जिसको मैंने नाम दे दिया Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर है, कंटेक्ट में नहीं है, तो ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स होती है ये कैसे फाइंड करते हैं हम, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर इन दोनों फैक्टर्स को मैं कंबाइन कर लूँ तो ये फोर्स का रिलेशन मुझे मिल जाए, क्या डिपेंडेंसी मिली, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल है, और इनवर्सली दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी शो करती है, ठीक है। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दे, यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट लगा दिया दिस इज ए, और ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखो जो चार्जेस थे वो एक दूसरे से दूर, एक चार्ज यहाँ पे बढ़ा है दूसरा चार्ज यहाँ पे बढ़ा, तो ये कंटेक्ट में नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन कंटेक्ट फोर्स, इसी के अंडर आती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ा दूं, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीज, अगर इंक्रीज कर दिया डिस्टेंस तो क्या होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो फोर्स जो है वो इनवर्सली आर स्क्वेयर के साथ वेरी कर रही है, आर को बढ़ाओगे एफ ऑब्वियस है कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये जिनके बीच में हम फोर्स देख रहे हैं, ये कैसे चार्जेस होते हैं, दीज आर द पॉइंट चार्जेस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लग रही है। तो ये होती है हमारे पास नॉन कंटेक्ट फोर्स की एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे के कांस्टेंट लगाया, बेसिकली ये जो के होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो एफ फोर्स क्या बन गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r2, 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्साइलन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू 8.854 10^-12 होती है, और इसको क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, इसीलिए ये नॉट लिखा है, कि जो चार्जेस है वो फ्री स्पेस में पड़े हैं, हम उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरह से फ्री स्पेस में हम चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या है, नॉन कंटेक्ट फोर्स है। नॉन कंटेक्ट कैसे हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है दिस इज द फोर्स बिटवीन टू मैसिव मासेस ले लो, या मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जैसे सन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, तो सन और अर्थ के बीच में क्या, कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दो मासेस लिख लो या फिर मैसिव ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो, इनके बीच में क्या लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल ही दे दिया कि यहाँ पे सन है सेंटर में और ये अपनी ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या, कौन सी फोर्स है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो दोनों कंटेक्ट में नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर है, तो इसीलिए इस फोर्स को क्या बोला जाता है, दैट इज अ नॉन कंटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे देखो ये फर्स्ट मास है जिसका मास m1 है,
ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम टू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से आर है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसे वेरी करती है, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डिपेंडेंसी होती है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ डिपेंडेंसी होती है इनवर्सली। अब इन फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इस साइन को जब हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को, यहाँ पे जी आ जाएगा एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हम इस फॉर्मूला से, ये रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है दो मासेस के बीच। तो ये भी क्या है, एक नॉन कंटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी मैंने बता दी कि अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लग रही है, ऐसे ही अर्थ के अबाउट अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी तभी वो घूम। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है हमारे पास कंटेक्ट नॉन कंटेक्ट फोर्स की। अब बात करते हैं हम नॉन कंटेक्ट फोर्सेस के बारे में, सॉरी कंटेक्ट फोर्सेस के बारे में। अब देखो कंटेक्ट फोर्सेस नेम वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप में जो फोर्सेस आती हैं वो क्या आती है, जैसे एक आती है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, और क्या हो सकती है फ्रिक्शन, ये फोर्स भी क्या है कंटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे क्या होंगे, सर्फेसेस आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर, कि जिनके बीच फोर्स लग रही है वो सर्फेसेस जो होंगे दे आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर, इसीलिए तो इनको कंटेक्ट फोर्सेस जो है वो बोला जाता है। अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं लूँ, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है, घर में अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये देखो ये टेबल है। ठीक है, टेबल पे मैंने मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट रख दी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, कंटैक्ट फोर्स, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है दिस इज द कंटैक्ट फोर्स, और ये नॉर्मल वर्ड आया है तो ये जो फोर्स होती है दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल में लगेगी। अब कंटेक्ट देखो कहाँ पे बन रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट का कंटेक्ट, यहाँ पे सरफेस के साथ बन रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगी, सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होती है कि कंटेक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरी अगर बात करें हम फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन भी क्या है, कंटेक्ट फोर्स होती है। कैसे पता चला, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। एग्जांपल क्या है, जब हम वॉक करते हैं, व्हेन वी वॉक, तो क्या होता है हमारा जो फुट है या फिर जो हमने शूज पहने हैं या फुट कह लो चलो, वो ग्राउंड के साथ कंटेक्ट में है। मान लो ये ग्राउंड का सरफेस है और ये फुट, ये कंटेक्ट मिल गया। अब हमें वॉक कैसे करना है, ये फ्रिक्शन जो होती है ये हमें हेल्प करती है वॉक करने में। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये क्या करती है, हमें वॉक करने में हेल्प करती है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही है। तो ये जो कंटेक्ट फोर्स होती है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, जब हम वॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जब हम पुश करते हैं ग्राउंड को, ठीक है, ग्राउंड हम पे भी फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ जा रहे हैं और फ्रिक्शन की तरफ लग रही है। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है, वॉक करने में हेल्प कर रही है यहाँ पे। अगर और अच्छे से समझे इसको तो जो फ्रिक्शन है इट इज अ कंटेक्ट फोर्स, अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्या मतलब है इसका? जैसे देखो ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये आगे की तरफ ऐसे जा रहा था, ठीक है। हम यूजुअली बोल देते हैं कि फ्रिक्शन जो होती है वो मोशन को अपोज करती है। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है मैंने, रिलेटिव वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती है, ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिलेटिव वर्ड। अब देखो ये जो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, किसके विद रिस्पेक्ट टू? इस सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू ना, हम इसका मोशन देख रहे हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू? इस सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये क्या हो रहा है, रिलेटिव कर रहे, रिलेटिव मोशन है ना ये, कंपेयर कर। रिलेटिव वर्ड जहाँ पे भी आता है वहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना किसी चीज का। तो अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किसके साथ कंपेयर किया है हमने, इस सरफेस के साथ। इस सरफेस के विद रिस्पेक्ट ही तो ये मूव कर रहा है ना। अब ऐसे ही बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं हम, इस सरफेस के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। इस सरफेस के रिलेटिवली ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन जो होती है वो क्या काम करती है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जो फ्रिक्शन होती है वो किसके अलोंग लगती है, फ्रिक्शन ये टेंजेंशियली एक्ट करती है अलॉन्ग द कंटेक्ट, कि जिस पॉइंट पे जहां पे कंटेक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पे कंटेक्ट बन रहा था तो यहां से ये टेंजेंशियली इसके अलॉन्ग लगेगी ऐसे, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन होगी फाइंड करने की कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ना कि मोशन को अपोज। यहाँ पे रिलेटिव मोशन हम देखते हैं, रिलेटिव मोशन को ये क्या करती है, अपोज, क्योंकि ये जो सरफेस है इसको क्या लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट तो आगे की तरफ जा रहा है, और ये सरफेस क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ। ये होती है फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन की टाइप्स होती है हमारे पास वो क्या होती है, एक हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा टाइप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहता है। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही यही है, रेस्ट। तो व्हेन एवर स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट द रेस्ट। जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये मान लो ये कोई बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, ठीक है। हमने इस पे क्या किया, इसको मूव करवाना है, इस पे फोर्स लगा दिया इस तरह, तो ये मूव ही नहीं हुआ, द बॉक्स डिड नॉट मूव। अब ये मूव ही नहीं हुआ तो जो हमने फोर्स लगाई है वो कहाँ पे गई? ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, तो इस पे क्या हो रही है, क्योंकि ये नीचे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ। तो जो फोर्स अप्लाई किया गया वो बैलेंस हो गया किसके साथ, फ्रिक्शन के साथ। तो ये जो फ्रिक्शन लग रही है ये कौन सी फ्रिक्शन है, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पाया, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये क्या होती है, वेरिएबल फोर्स होती है, इट इज वेरिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम फाइंड कर सकते कि हाँ ये इसका फॉर्मूला है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है जीरो से, लिमिटिंग वैल्यू होती है मैक्सिमम इसकी, ठीक है। ये लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो पॉसिबल हो सकती है।
तो 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें मिलती कि हाँ फ्रिक्शन जो है वो क्या है, कितनी मिल रही है मुझे, ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, लेट से ये कितना है 10 न्यूटन, एग्जाम्पल ले रही हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स आगे की तरफ अप्लाई कर दी, तो हमने क्या किया, फ्रिक्शन फाइंड किया। अब जो लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है वो फ्रिक्शन की कितनी आ रही है, इस तरफ लगेगी फ्रिक्शन, तो हम देखना चाहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाली। एफ लिमिटिंग यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, म्यू एस इंटू एन, राइट। ये फॉर्मूला होता है एफ लिमिटिंग को कैलकुलेट करने का। तो एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, या नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ मिलेगी, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके साथ बैलेंस हो रहा है, एम जी के साथ। तो जो एफ लिमिटिंग की वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे ऐसे। तो मान लो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई, दैट इज 20 न्यूटन। तो अब देखो सिचुएशन क्या बन रही है, फोर्स आगे की तरफ 10 न्यूटन लगाई, बट पीछे की तरफ कितनी वैल्यू मिल रही है, 20 न्यूटन। तो ऐसा सिचुएशन क्या पॉसिबल है, फोर्स आगे को लगा रहे हो तो जो ये जो ऑब्जेक्ट है वे पीछे की तरफ जा रही है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या करेगी, जो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की लग सकती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो अगर आगे की तरफ हमने 10 न्यूटन अप्लाई किया है, तो जो एफ लिमिटिंग की वैल्यू 20 न्यूटन आई थी, वो अब हमारी क्या आएगी, यहाँ पे 10 न्यूटन ही आएगी। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसने अपनी वैल्यू 20 से क्या कर ली, 10 कर ली, अपनी वैल्यू एडजस्ट कर ली। तो इसीलिए इस स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल फोर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अप्लाइड फोर्स जो लग रहा था वो कम था, जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ लिमिटिंग वैल्यू मान लो 20 न्यूटन आ गई, तो मतलब पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है, आगे की तरफ कम फोर्स लग रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप आगे की तरफ फोर्स लगाओ ऑब्जेक्ट पीछे को जाए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू हमें फॉर्मूला से मिली वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फिर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा। जितना फोर्स आगे को लग रहा है उतनी ही फोर्स हमें मिल रही है पीछे की तरफ। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। मतलब इसने 20 से अपनी वैल्यू क्या कर ली, 10 पे कर ली, ताकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ना करे, मूव ये रेस्ट पे रहे, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू एडजस्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एडजस्टेबल फोर्स भी बोला जाता है। इसीलिए बोला था मैंने कि ये क्या होता है, इसका वेरिएबल नेचर होता है, ये चेंज होती है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, कि हमने जैसे फॉर्मूला से लिमिटिंग वैल्यू निकाली तो वही आंसर आ जाएगा, वही आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे ये तभी लग रह सकती है जितना आगे को फोर्स अप्लाई किया है उतना ही पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिले, तभी रेस्ट पे रह सकती है ना। अगर पीछे की तरफ 20 न्यूटन है, आगे की तरफ 10 न्यूटन है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है उसको, तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से एडजस्ट होके कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन की, 10 न्यूटन। आगे की तरफ भी 10 न्यूटन, पीछे की तरफ भी 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। इसीलिए ये क्या होती है फोर्स, दिस इज द एडजस्टेबल फोर्स। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है, व्हेन एवर दिस फ्रिक्शन एक्ट्स, जब भी ये फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, फ्रिक्शन इज देयर या प्रेजेंट, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लग जाएगी, द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ये कोई बॉक्स था, हमने इस पे फोर्स लगा दी, ये मूव नहीं किया, क्योंकि जितना फोर्स हमने अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन मिल रहा है इसको। फिर हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही फोर्स इंक्रीज कर दी, ये मूव कर गया, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, कि जैसे ही हमने फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट क्या आ गई, मोशन में आ।
इसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है ये वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट फोर्स ही होती है। इसको हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एम। यहाँ पे म्यू जो वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे म्यू के दिस इज अ कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हम इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये वैल्यूज फिल करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाए। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर ही हम पढ़ते हैं टर्म्स की स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये जस्ट स्लाइड हो गई, स्लाइड करने लग गई ये ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करने लगी, जैसे इसकी एग्जांपल अगर लूँ हमारे कार के व्हील्स। ठीक है, फोर्स लगाई, पुश किया इसको तो ये रोल करने लग गए, तो जब ये रोल कर रहे हैं तो इन पे कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, इस तरफ, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। तो इन सब में ये जो दोनों है ये काइनेटिक फ्रिक्शन की ही टाइप्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में आ रही है ना, स्लाइड कर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब फोर्स अप्लाई किया ये स्लाइड करने लग गई, कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करना स्टार्ट हो गई, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रही है यहाँ पे। ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोल करना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब वो मूव मोशन में आ रहे हैं, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि एक स्टेटमेंट है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सब ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये जो मैं हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस बना रही हूँ ये स्मूथ नहीं होते, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करूँ तो ये कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं यहाँ पे सर्फेस, और ये जो ऑब्जेक्ट जिसको हम मूव करवा रहे हैं इसमें भी क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये जो इरेगुलरिटीज है ये क्या हो गई, आपस में लॉक हो गई, लॉक हो गई, इस तरह से लॉक होगी दोनों। अब फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि लॉक हो गई है ऐसे इरेगुलरिटीज, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स और बढ़ा दी, इंक्रीज कर दिया, तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करते जाओगे इरेगुलरिटीज क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो इरेगुलरिटीज है ये पहले लॉक थी, फिर इरेगुलरिटीज लॉक होते होते क्या होगी, ब्रेक हो गई, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये आगे चला गया। ठीक है, इरेगुलरिटीज क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ब्रेक करके ये जो ऑब्जेक्ट था वो आगे चला गया, मूव करने लग गया। तो अब खुद देखो हमें मोशन को स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मूव करती रहेगी, है ना। तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने में डिफिकल्टी हो रही है, हमें उसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सके, इसीलिए ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी हमारे क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, तो इनमें से कौन सी फ्रिक्शन बड़ी होगी, तो हमारा जो ऑर्डर होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होती है वो स्टैटिक होती है, फिर स्लाइडिंग, और फिर अब स्टैटिक तो समझ आ गया क्योंकि मोशन को स्टार्ट करने में हमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। स्लाइडिंग क्यों ज्यादा होती है रोलिंग से, क्योंकि रोलिंग, जब भी रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वो बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट रोल कर रही है ऐसे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे बनेगा बहुत कम टाइम के लिए बनेगा,
ये रोल किया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर इसकी जगह दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है ना यहाँ पे, बहुत कम टाइम के लिए मिल रहा है, इसलिए ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ये सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है इनके बीच। दिस इज द वेरिएशन ऑफ की जो स्टेटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है देन स्लाइडिंग एंड देन